तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 में हूँ और यहाँ काफ़ी शॉपिंग की वैरायटी है, मतलब इतने शॉप से अच्छा खासा आप शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ के वाउचर्स भी लोग बांट रहे हैं जिसमें आपको 70% ऑफ मिल रहा है ऑन द एंटायर, आफ्टर GST लेके आपको 17% ऑफ मिलते हैं, इनफैक्ट 20% एक्चुअली ऑफ ऑन द MRP, तो ओवरऑल 17% डिस्काउंट। और उसके अलावा जो शॉप्स में अलग जो डिस्काउंट है वो अलग है, तो अच्छा खासा प्राइस में आपको सामान मिल जाता है जो जनरली अपने एक्सपेक्ट नहीं करते एयरपोर्ट में। और यहाँ खाने पीने का भी काफ़ी स्टॉल से काफ़ी वैरायटी है। अभी हम लोग जैसे जहाँ बैठे हैं यहाँ करीबन चाइनीज़ अभी हम लोग मंगाए, जैसे हमारे फ्रेंड्स ने मंगाया चिकन नूडल्स, वो करीबन पड़े 395 400 रुपये, और पिज़्ज़ा भी 9 इंच का यहाँ पर है अराउंड 515 रुपीज़। तो इस टाइप के रेट से अभी जैसे स्टारबक्स में हम लोग कॉफ़ी पिए तो वहाँ पड़ा करीबन 230 रुपीज़ फॉर द कॉफ़ी। तो बहुत वैरायटी है, बाकी पिज़्ज़ा हट भी है और खाने पीने का काफ़ी वैरायटी है, तो आराम से आप यहाँ घंटों बिता सकते हो। एटमॉस्फेयर अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बताइए आपको यहाँ का क्या अच्छा लगा एयरपोर्ट का, क्या चीज़ बढ़िया लगा? नहीं तभी कुछ तो अच्छा लगा ही होगा यहाँ का, समथिंग अच्छा है ना। अच्छा यहाँ आप तो टर्मिनल 1 में भी गए हो जो यहाँ का इंटरनेशनल टर्मिनल है, और ये टर्मिनल सॉरी दिस इज टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 में भी आप गए हो, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया, लेकिन वो बेटर है कि ये? अच्छा कुछ नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग प्लेस है और उसके इतना बड़ा है, लाइक 2-3 किलोमीटर तक उसके गेट्स ही हैं, आई मीन बोर्डिंग गेट जो है। स्टोर वाले से बात हो रही तो कह रहे थे कि यहाँ पहले उनका सेल हर महीने का था 70 से 80 लाख रुपये, और यहाँ क्या सिस्टम है ना, जितने भी स्टोर्स है या खाने पीने की दुकानें हैं उन सब को अपना 25-28%, एक्चुअली पहले 25% था अब 28% हो गया, शेयर ऑफ द सेल्स उनको देना पड़ता है MGR। तो दैट इज़ अ सिस्टम रेवेन्यू शेयरिंग का, जो है विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, कि उनका सेल बढ़ेगा तो MGR को भी फ़ायदा है और उनको भी फ़ायदा है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि जब से यहाँ रेनोवेशन वर्क शुरू हो गया, यहाँ एक्सपैंड हो रहा एक्चुअली ये T1 टर्मिनल, इसलिए T2 में ऑपरेशंस को शिफ्ट हुए, उस कारण से इनका डिप हुआ सेल्स में, और बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट अराउंड 30-40% का डिप हुआ है, सबके सेल्स अफेक्ट हुए हैं। सो दैट इज़ अ रीज़न अभी MGR प्रमोशन निकाला है, लाइक वाउचर्स दे रहे हैं जिसमें अराउंड 17% ऑफ मिल रहा, आप कहीं से भी खरीदो सामान। और इसके अलावा जैसे एक खाने पीने के शॉप से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि उनका टर्नओवर हर महीने का करीबन 1.25 करोड़ है, इमेजिन कितना बढ़िया यहाँ सेल्स इनको फिगर्स मिलते हैं, और उनको भी अराउंड वही 28% रेवेन्यू शेयरिंग उनको देना पड़ता है MGR को। सो देयर इज़ नो रेंटल, जस्ट रेवेन्यू शेयरिंग। सो यहाँ पर जितने भी स्टोर्स हैं और खाने पी दुकाने सब अच्छा कमाई करे, सबका अच्छा प्रॉफिट है, एंड पहले 3 ईयर्स का लीज़ एग्रीमेंट होता था, अब ओनली 1 ईयर का लीज़ एग्रीमेंट करे, बिकॉज कि ये एक्सपैंड हो रहा है एयरपोर्ट और यहाँ रेनोवेशन वर्क होगा, तो काफ़ी शॉप्स हो सकते हैं हटा दिया जाए, फॉर टेम्प्रेरी हटा दिया जाए, कुछ ही स्टोर्स यहाँ रहेंगे, उस रीज़न से 1 ईयर का लीज़ एग्रीमेंट रिन्यू हुआ है। ऑलराइट, तो जैसे आप देख रहे हो तनिष्क है यहाँ, सुरस्की है, पेंडोरा, और कितना ब्यूटिफुली डेकोरेटेड है शॉप्स, जैसे आप देख रहे हो कीको, इसके कॉस्मेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, मैक, यूनाइटेड क्लर्स ऑफ बेनिटन, कपड़े खरीदने हो तो वेरी यूजफुल। यहाँ भी डिस्काउंट अभी लगा हुआ है 20% का। यहाँ से हमने मेरी जूते खरीदे और बहुत ही अच्छा प्राइस करके खुला, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना वॉचेस वगैरह का है, घड़ी भी है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ सामान का। शॉपर स्टॉप, दवाई की भी दुकान है, फार्मेसी है, फॉरेस्ट एसेंशियल्स, हल्दीराम भी है। यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग कि हम लोग जैसे गोएट से आए थे कोलकाता टू दिल्ली, और वहाँ जो लिकर के बॉटल्स थे यहाँ एयरपोर्ट से ज़्यादा सस्ते थे, इनफैक्ट अराउंड 20-30% सस्ता था,
एक्चुअली एयरलाइन का ऑफर था उसमें, इस कारण से सस्ता था. बट हम लोग भी काफ़ी सरप्राइज हो गए. जैसे मेरे फ्रेंड को लेना था लिखकर, तो वहाँ एयरलाइन से लिए नहीं, वो कि महंगा ही होगा मे बी, एयरपोर्ट में सस्ता मिलेगा अपने को दिल्ली एयरपोर्ट में, बट एयरलाइन में ज़्यादा सस्ता था बिकॉज ऑफ द ऑफर. सो ये भी ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि आपको एयरपोर्ट में सस्ता मिले, बहुत बार एयरलाइन के ऑफर के कारण आपको वहाँ सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं प्लेन में. यहाँ देखिए नीचे तो काफ़ी खाने पीने के स्टोर्स है, ऊपर भी है खाने पीने के काफ़ी स्टोर्स, और अंदर जा के भी है, तो काफ़ी जगह है. और लिकर जिनको शौक उनके लिकर के भी ऑप्शन है काफ़ी जगह, तो खाने पीने का बहुत आराम है यहाँ. और जैसे हम लोग ने एक जगह देखा थाली सिस्टम, विच वॉज़ इन स्ट्रीट फूड पंजाब ग्रिल, वहाँ का थाली सिस्टम है और बहुत ही सही है. वहाँ बाकायदा आपको थाली में दाल मखनी, दो तरह का रोटी, रुमाली रोटी और पराठा और मिक्स सब्जी, रायता वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है. इट वॉज फॉर अराउंड 500 odd rupees, तो बहुत ही सही प्राइस में है एंड अच्छा खासा मील हो गया आपका. और जैसे यहाँ एक जगह हमने देखा वहाँ पिज़्ज़ा के साथ आइस टी था. ऐसे आपका पिज़्ज़ा और आइस टी अलग से आप लेते हो तो करीबन 650 था, और 515 में मिल रहा है ऑफ़र था. तो इस तरह से मोरलेस हर जगह कोई ना कोई ऑफ़र आपको मिल जाता है खाने पीने में, विच इज़ वेरी गुड. सो दिस इज समथिंग विच लाइक टू टेल कि आप साथ साथ कहीं भी आप जाओ ना या देखो तो ऑफर्स भी देख लो कि कहाँ के ऑफर्स हैं, उसमें काफ़ी आपका पैसा लग जाएगा. स्टारबक्स स्ट्रीट फूड वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ थाली सिस्टम है और काफ़ी रिजनेबल है. जैसे ऊपर आप देख रहे हो लाउंज एरिया है, और यहाँ आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड में लाउंज का एक्सेस हो. तो यहाँ खाना पीना भी काफ़ी अच्छा है लाउंज में. जैसे आप यहाँ बेसिकली लाइव काउंटर भी है इडली डोसा का, एंड टी कॉफ़ी वगैरह तो है ही, एंड कुशन सीट्स है, सोफ़ाज़ है, सो सब का आराम है. एंड आप ऊपर बैठ रहे हो तो व्यू बहुत बढ़िया आते हैं नीचे एयरपोर्ट का. ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर में आए हैं, और यहाँ से लाउंज है सामने, एंड ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द एंटायर एयरपोर्ट. लिफ्ट की तरफ यू कैन टेक द स्टेयर्स एज़ वेल. यहाँ स्पा भी, अगर आप स्पा फैसिलिटीज यूज़ करते हैं तो थोड़े महंगे हैं. फुट मसाज स्टार्ट होता है करीबन 2000 रुपये से, 2000 है 30 मिनट का, फिर आप 40 मिनट के लेते हो तो करीबन 2500 और है, एक घंटे का और बेसी है. जेट लैग का है उसका भी है, तो दैट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अराउंड फर्स्ट रिमेंबर अराउंड 4-4.5 thousand से स्टार्ट होता है.
और यहाँ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहता हूँ कि आगरा में क्या हुआ था कि मैं गया था मेहता पार्क में, जैसे कि मेहता बाग नाम है उसका, वहाँ से बहुत बड़ा व्यू आता है ताजमहल का, बैक साइड का ब्यूटीफुल, एक्चुअली बैक साइड सब साइड एक ही समान है ताजमहल का, सो आप कहीं से भी आप देखो इट्स ऑल द सेम। तो वहाँ क्या हुआ, मैं वहाँ देख लिया और करीब आधे घंटे इन्जॉय कर लिया, उसके बाद मेरे पास समय था तो मैं बाहर निकला और फिर मुझे ऑटो पकड़ना था, तो वहाँ एक दुकानदार से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वेट करो हम ऑटो बुला लेते, 50 रुपये लगेगा, आप प्राइवेट में जाओगे शेयर में जाओगे तो 10 रुपये लगेगा। तो मैंने ठीक है बुला लो, क्योंकि करीबन 2 किलोमीटर मुझे वॉक करना था ऑटो स्टैंड तक। तो ऑटो वाला आया नहीं, 5 मिनट इंतज़ार किए, 10 मिनट इंतज़ार किए, तो मैं वॉक करने लगा, आगे चल पड़ा। कुछ ही देर में ऑटो मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आप चलो मेरे साथ, हम आपके लिए आए। हमने ठीक है चलिए, तो पीछे 2 पैसेंजर्स भी थे तो मैं आगे बैठ गया और आगे निकला। उन्होंने मुझे बेबी ताज वहाँ ड्रॉप कर दिया और रुपए भी नहीं लिए। मैंने कहा भाई कितने देने हैं, बोले कुछ नहीं देना आपको, ये मेरी तरफ से है, आपको एक पैसा नहीं देना। सो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग क्यों नहीं लिया रुपया, पर मुझे जो लगता है कि मे बी वो बड़े थे मैं आ रहा हूँ और 2 मिनट के बदले 10 मिनट लगा दिए, उस कारण से नहीं लिए। बट दैट वॉज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम हिम, दो इट वॉज नॉट अ बिग अमाउंट, बट एट द सेम टाइम तभी भी उन्होंने कुछ नहीं लिया, जेस्चर तो था उनकी तरफ से। तो दिस वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस जो मेरा आगरा में हुआ। बाकी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप आगरा जब आप ताजमहल विज़िट करने जाओ तो सनराइज़ में जाओ तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया लगता है। सनराइज़ में भी मैं गया था, क्या ना सनराइज़ में, पर क्या है कि अगर स्काई क्लियर हो तब आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट करेगा मार्बल से, जो बेसिकली रिफ्लेक्ट क्या करेगा मार्बल को, यहाँ ताजमहल का क्या खास बात है मार्बल का कि वो पूरा लाइट को अंदर ले लेता है और पूरा शाइन करता है पूरा मार्बल, तो रेड लुक आता है पूरा ताजमहल का, पर वो तभी आता है जब स्काई क्लियर हो। स्काई क्लियर नहीं हो तो फ़ायदा नहीं सनराइज़ में जाके। इनफैक्ट आप दोपहर में जाओगे तो उस समय तो क्या कि सन ब्राइट रहता है तो पूरा चमकता है महल, तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ एक ज़रूर आप आगरा फोर्ट ज़रूर जाएगा, लाल किला एकदम जाना बनता है, शुड मिस इट, बहुत बढ़िया है। और गाइड ज़रूर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं अंदर, बोलने जो बोलते हैं मज़ा आ जाता है, उसके बिना कोई मतलब नहीं है जाना। तो अगर आप आगरा फोर्ट जाते हो तो गाइड ज़रूर ले जाएगा, इट इज़ अ मस्ट। अब हमारा टाइम हो गया फॉर बोर्डिंग, बट क्या है ना कि बोर्डिंग नीचे कैमरा अलाउड नहीं है,